नमस्कार, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम खोज खबर में आप सबका स्वागत है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अचंभित, हैरान, परेशान करने वाली घटनाओं की आदत सी पड़ती जा रही है। एबनॉर्मल को न्यू नॉर्मल के रूप में पेश किया जा रहा है और इसे वैसे ही स्वीकार करने का चलन कम से कम सत्ता की तरफ से जनता को बताया जा रहा है। देश बिक रहा है लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। तमाम सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। भारतीय रेलवे को बिना रेल मंत्रालय के हस्तक्षेप या जानकारी या भरोसे में लिए नीति आयोग के नेतृत्व में निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। 50 स्टेशन और 150 ट्रेनें निजी कंपनियों को सौंपने की पूरी तैयारी हो गई है। बेरोजगारी और मंदी से तबाह उद्योग जब इस मामले में आवाज उठाते हैं, यहां पर हम बात कर्मचारियों की नहीं कर रहे, इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की नहीं कर रहे, जब उद्योगपति इस मंदी के बारे में आवाज उठाते हैं, बोलना चाहते हैं, तब मंत्री और खास तौर से यहां हम जिक्र करना चाहेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल का। वे फरमाते हैं कि नौकरी गंवाना कोई खराब संकेत नहीं है। भारतीय जो नौजवान हैं वो नौकरी गंवा के बहुत खुश हैं क्योंकि वो खुद अपना कुछ करना चाहते हैं। जहां जिस देश में मंत्री सीधे सीधे यह कहे कि नौजवान नौकरी नहीं चाहते, नौकरी खोने से कोई दिक्कत नहीं, और वह भी तब जब उद्योगपति उनके सामने ये सवाल उठाएं कि नौकरियां बड़े पैमाने पे जा रही हैं और यह अच्छा संकेत नहीं, तब हमें समझ लेना चाहिए कि यह सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रही है। ठीक ऐसे ही दौर में हम पाते हैं कि जो भारत है, जिसे तेजी से लिंचिस्तान में तब्दील करने के लिए जो शक्तियां बहुत सक्रिय हैं, यहां पर लिंचिस्तान के बारे में, लिंचिंग के बारे में एक एलईडी बल्ब जलाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, और वो कहते हैं बहुत ही आराम से कि लिंचिंग विदेशी शब्द है और इसे भारत में भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक उसी समय देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसका जिम्मा सीधे सीधे देश के गृह मंत्री ने उठा रखा है। वह सीधे सीधे पत्रकारों को बुला बुलाकर एक ही बात दोहरा रहे हैं। वे सीधे पूरी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि इस देश में अब मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जब वो NRC पर बात करते हैं, खासतौर से असम में जिस तरह से हमने देखा कि जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं उसमें एक बड़ी संख्या गैर मुसलमानों की है, उसके बाद आप पाएंगे कि किस तरह से भाजपा ने अमित शाह के नेतृत्व में सीधे सीधे बोलना शुरू किया कि मुसलमान के अलावा जितनी भी धर्म के लोग यहां रहते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनकी रक्षा के लिए एक नया कानून ला रहे हैं, एक अमेंडमेंट ला रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून है, जिसमें तमाम लोग, जिसमें सिर्फ एक धर्म के लोग का नाम वह नहीं लेते हैं और पत्रकार भी उसके बारे में एक शब्द नहीं पूछते हैं, वो सीधे ऐलान करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए भाजपा ने कमर कस रखी है और इसके लिए कहीं से भी संविधान में संशोधन करने की उन्हें जरूरत नहीं लगती है, कहीं से भी उन्हें कोई भी और प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं लगती है। पत्रकारों को सीधे सीधे ब्रीफ किया जाता है, तमाम जगहों पर यह संदेश फैलाया जाता है। हरियाणा में जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां प्रक्रिया जारी है, वहां पर भी वो कहते हैं कि चुन चुन के लोगों को बाहर निकालेंगे। इस माहौल में किस तरह की खबरें, किन तरह की खबरों पर चर्चा हो रही है, कौन सी खबरें दबाई जा रही हैं, इन पर बात करना बेहद जरूरी है। कुछ खबरों पर चर्चा करने से पहले चलते चलते एक चीज पर बात करनी बहुत जरूरी है और वह बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से राज्यसभा सांसद और RSS विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी संस्कृति में बलात्कार और चोरी के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ये इतना शर्मनाक बयान देने के बाद वह बहुत आराम से बताते रहे कि बलात्कार और लिंचिंग किस तरह से सिर्फ ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म से इसका ताल्लुक है, ये गंभीर चिंता का विषय है और कम से कम इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी की पूरी भाजपा
आखिर क्यों चिन्मयानंद, जिनके आगे स्वामी लगता है, जिनके ऊपर एक लड़की ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि किस तरह से वे यौन शोषण कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, उसके पक्ष में पूरी की पूरी भाजपा और संतों की एक जमात खड़ी हुई, उसकी सोच क्या है? इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि कुलदीप सेंगर के पक्ष में, जिनके ऊपर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उसको भी बचाने के लिए सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, मोदी सरकार के भी अच्छे खासे लोग पक्ष में खड़े हुए थे। शायद राकेश सिन्हा यह बताना चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति उनके हिसाब से है, वहां बलात्कार करना कोई अपराध नहीं है। अर्थव्यवस्था के हाल तो खैर माशाल्लाह हैं, बैंकों के हाल खराब हैं, और आर्थिक नीतियां मैगी की तरह हो गई हैं, बस दो मिनट में बदल रही हैं। पता ही नहीं चलता कि वित्त मंत्री कल किस बात पे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या दावा ठोकेंगी। लेकिन एक बात तय है कि जो मंदी है, जितने भी सरकारी दावे हैं, उन तमाम दावों को बेकार साबित कर रही हैं, और मंदी सुरसा के मुंह की तरह बड़ी होती जा रही है, फैलती ही जा रही है, और तमाम लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो अलग अलग पेशों में लगे लोग हैं, वे साफ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत खतरनाक पैमाने पर है। हम पा रहे हैं कि लोग बैंकों के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमें वापस दो। बैंक सरकार के सामने खड़े हैं कि किसी तरह से हमें बचा लो, और सरकार केंद्रीय बैंक के सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़ी है कि जहां चाहे वसूलो तुम, लेकिन हमें और पैसा दो, क्योंकि उसे जो अपने नियम कायदे कानून को ताक पे रख के जिस तरह से प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करना है मोदी सरकार को, उसके लिए जनता की गाढ़ी कमाई पर ही उसे भरोसा है। एक अजीब ढंग का सर्कस हो गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अभी 10 पायदान नीचे गिरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है, वह बेहद चिंताजनक है। हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु से एक जबरदस्त खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा नेशनल मीडिया में हो रहा है। यहाँ पर इतिहास और सभ्यता के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है, ऐसी खुदाई से चीजें सामने आई हैं, जो तमाम प्रस्थापनाओं के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शिव गंगा के पास केजी हड़ी में खुदाई की, और पता चला कि एक औद्योगिक शहर था यह शहर, और जो इस पूरी सभ्यता है, यह जो तमाम अभी तक हम सोच रहे थे उससे 300 साल भी पहले की है। यहां अभी तक की जितनी खुदाई हुई है, इससे पता चलता है कि जो पूरी की पूरी बस्ती थी, यह बहुत ही आधुनिक सोच पर बसी हुई बस्ती थी। यहां पर किसी भी तरह की पूजा या देवी देवता के अवशेष नहीं मिलते। यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी हासिल हुई है, उससे पता चलता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, और इसकी लिपि भी तमिल ब्राह्मी लिपि थी, जिसका अभी तक जो दावा हो रहा था कि संस्कृत से जो संबंध है, उसे पूरी तरह से ये नकारती है। इस बारे में हमने बात की तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रहने वाली दीप्ति सुकुमार से, जो इसे बहुत करीब से देख रही हैं, और वह बहुत गंभीर सवाल यह भी उठा रही हैं कि जब इतनी अहम खुदाई और उस खुदाई से इतनी अहम जानकारियां मिली, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो तमाम बातें करते हैं, लेकिन इस खुदाई से जो सभ्यता के बारे में नई जानकारियां मिल रही हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी अनदेखी है, मीडिया में अनदेखी है, और एक जो सुविधाजनक समाज बना हुआ है, जिसको यह खुदाई और इससे जो अवशेष मिले हैं चुनौती देते हैं पूरे विकास क्रम के बारे में, आखिर लोग क्यों नहीं बात करना चाहते। वह सवाल उठाती हैं कि बतौर भारतीय, बतौर इंडियन, वे जानना चाहती हैं कि ये जो सभ्यता है, ये क्या संकेत दे रही है, किस तरह के एक सेकुलर मिक्स्ड इंडियन कल्चर के बारे में बात होनी चाहिए। ये सिविलाइजेशन क्या है? What is the civilization about? What we are understanding, whatever that is there in the news, because we don't really read much of it in the newspapers, we haven't seen of it. But what we are following out of these YouTube channels or YouTube messages that are coming out, is that there was a civilization that was there in Tamil Nadu, called the Keeladi, in the Keeladi area. That area is called Keeladi. And this is dating back to almost 300 BC.
300 BC. Even earlier than that. There are some reports that are saying even 600 BC. And this area at present, what they have found is that, you know, it's for hundreds of acres that they have been able to excavate. And they have found a huge industrial, you know, area there. It is a huge industrial site. And ये जो यहाँ पे सिविलाइजेशन मिली है ये औद्योगिक क्षेत्र था, इंडस्ट्रियल एरिया था ये. Yes, it is an industrial area that they have excavated so far because they have not really found any human remains. They only found only all these industrial related, you know, all pottery shards. It's all terracotta and pottery shards. Now the interesting thing is that on each of this they have found hundreds and thousands of writings on these things, and it's all the Tamil Brahmi, or now they are calling it Tamili. The Tamil script is there on each and every one of these pottery shards, which showing that Tamil languages can be dated. The carbon dating also has been done, and the carbon dating is showing that this is dating back to almost 300 to 400 BC. तमिल भाषा जो है, तमिल भाषा सबसे पुरानी, हाँ सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है. इसका एक प्रमाण, इसका एक एविडेंस ये जो सिविलाइजेशन है ये देती है. That is what the archaeologists are telling us, that there is a carbon dating that has been done on all these. They have taken samples and sent it to somewhere in Europe where they have done professionally, they have done it, and it has come back that it is almost 300 to 400 BC. That particular Tamil script. So which is showing, and so why we are wondering why it is being covered up, why it is not being exposed, and why suddenly off late recently, over the last few months, there has been a sudden explosion of this language politics, which has actually so deepened the linguistic divide between the Tamils and the non-Tamils. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे क्लाइमेट चेंज को लेकर तमाम तरह की चिंता जाहिर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो मुंबई में जो पेड़ काटे जाते हैं उनके बारे में चिंतित होते हैं, वहाँ उनकी सरकार है और सरकार पेड़ों के कटने को रोकने के लिए तो छोड़िए जितनी जल्दी पेड़ काट सकें उन पे बात कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ बहुत खामोशी से हिमालय की ऐसी चोटियों को खोल देने का काम कर रही है जिनके बारे में खुद इसी सरकार के नीति आयोग ने सवाल खड़े किए थे. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने हिमालय की 137 चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए खोला, ट्रैकिंग के लिए खोला है, और इस बारे में सिक्किम सरकार ने गंभीर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि इस तरह से चोटियों को खोल के वहाँ पर पर्यावरण का क्षय होगा. ये तमाम जो चोटियाँ खोली गई हैं इनके बारे में लंबे समय से यह मान्यता थी कि इनको बचाए रखना ज़रूरी है, और कम से कम जिस तरह से हिमालय में हमने पिछले दिनों देखा कि लंबा क्षय हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह का कचरा जमा हो रहा है, जिस तरह से गंगोत्री और बाकी नदियों पर प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का, उसमें तमाम जो कमेटियाँ हैं उन तमाम कमेटियों के जो सुझाव थे वो सुझाव यही थे कि इन चोटियों को खोला नहीं जाना चाहिए. इस बारे में हमने बात की पर्यावरणविद और पानी पर काम करने वाली डॉक्टर इंदिरा खुराना से. मुझे लगता है ये जो सरकार ने डिसीशन लिया है कि ये पीक्स को खोलने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए, ये एक सोच समझ के उन्होंने निर्णय नहीं लिया. अगर हम हिमालय की बात करें तो ऑलरेडी हिमालय में जो जितने लोग हैं, जितना वहाँ पे टूरिज्म है, वो हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी से बहुत मैनी टाइम्स ओवर है. अगर हम ये पीक्स खोलेंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आप हिमालय और प्रकृति के साथ वहाँ खिलवाड़ करेंगे जो कि बहुत सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पे ज़रूर असर होगा, खासकर पानी को लेकर. और वो जो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होगा, जो सूएज जनरेट होगा, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे वो भी एक बड़ा प्रश्न है. इनकी नीति आयोग की खुद की 2018 की रिपोर्ट है जहाँ वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिमालयन स्प्रिंग्स हैव डिक्लाइंड, उनमें पानी नहीं है. मतलब ये जो वहाँ से जो निकलते हैं झरने, हाँ उनमें पानी नहीं है. हाँ, वो पानी सूख गया. 50% के ऊपर झरनों में पानी नहीं है या कुछ महीनों के लिए उसमें पानी होता है. और इसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको पीने का पानी और उनका जो खेती के लिए पानी चाहिए उसमें बहुत गहरा असर पड़ रहा है. तो आप एक तरफ तो ऑलरेडी आपकी ये रिपोर्ट है जो आपको चेतावनी दे रही है कि जरा सोच समझ के आप डेवलपमेंट करिए, दूसरी तरफ आप ऐसे आर्थिक लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए आप इन पीक्स को ओपन कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण के लिए और लोकल लोगों के लिए
ये सही मूव नहीं होगा, और हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आर्थिक विकास ही हमें चाहिए या हमें प्रकृति के साथ भी रहने का, हम वी वॉन्ट टू लिव विद नेचर एंड वी वॉन्ट टू प्रिजर्व नेचर। जैसा कि हम अपने पहले कार्यक्रमों में भी कह चुके हैं कि जो जुल्म है, जो अन्याय है, इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं उन्हें भी रजिस्टर करना, उन्हें भी दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। लिंचिंग के मामले में 49 सेलिब्रिटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, और जैसा हम सब जानते हैं इस पर बिहार के मुजफ्फरपुर में FIR दर्ज हुई। इस FIR के खिलाफ जिस तरह से जो कल्चरल सोसाइटी है, जिस तरह से जो एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, म्यूजिशियन हैं, तमाम लोग बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए, उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना राष्ट्रद्रोह है तो हम सब भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर भी FIR करिए। इस पहलकदमी का एक सकारात्मक असर हुआ। पहली बार हमने देखा कि लोगों में विश्वास जगा कि आवाज उठाने पर कुछ कार्रवाई होती है। यह FIR जो बिहार में दर्ज की गई, इसे रद्द किया गया और FIR करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की बात सरकार ने की, कुछ पहल की। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यह कम से कम यह आस जगाती है और यह ध्यान देने की जरूरत है कि इस आस की जरूरत है। हमें चाहिए ऐसे लोग जो जुल्म को जुल्म कहें, अन्याय को अन्याय कहें और इसके खिलाफ बड़ी संख्या में एकजुट हों। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जिसका एक सकारात्मक असर हुआ, जो एक छोटी जीत मिली, इस पर हमने बात की गीता हरिहरन से कम उनसे यह जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने क्यों इस पे हस्ताक्षर किए और बाकी जो जमात जुड़ी उसका क्या असर होता है। आपने इस पे साइन किया खासतौर से ऐसे समय जब बहुत खामोशी थी, जो 49 सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ FIR हुआ, उससे पहले की जो पूरी प्रक्रिया है लिंचिंग पर और तमाम चीज़ों पर, ये क्या सोच के आपने साइन किया और कैसे आप इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को देखती हैं? पहली बात है, आई डोंट थिंक ऑफ देम एज सेलिब्रिटीज़, आई यू प्रिफर द फ्रेज रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, बिकॉज वी मस्ट सी देम एज सिटीजन्स, व्हिच इज़ व्हाई दे स्पीकिंग अप। Why did so many of us sign this letter? And there were writers who signed, artists who signed, students who signed, people we don't even know what they do actually. They were just, they're citizens. And why was this revulsion so widespread? The most obvious, of course, is misuse of the courts to silence people, to stop people from questioning. The second thing was what they were saying. The real issues are there in the letter. So, lynching, mob lynching, misuse of religion, as if to say, saying Jai Shri Ram is a measure of your worthy citizenship, and talking about age-old caste inequalities, which continue, atrocities, which continue. So these are all issues on which so many of us, large numbers of us, feel very strongly about. And to be victimized for that, and actually by misusing the courts, and of course, the colonial era sedition. वही जो चिंता की बात हमारे सामने आई कि इसी तरह के एक मामले में, जहां पर वर्धा में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वहां 6 विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको निष्कासित किया गया, और उसके खिलाफ बहुत कम अभी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि दलित और बहुजनों पर जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह की लिंचिंग हो रही है, उस पर हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। इसी तरह से हम पाते हैं कि जो प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसन्ना कर्नाटक में भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वह भी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। एक तरफ अन्याय बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम पाते हैं कि उसके खिलाफ जो आवाजें हैं वे भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है सच को सच कहना, सच के साथ खड़ा रहना, और यह काम हम न्यूज़ क्लिक में, खोज खबर में आपके साथ मिलकर करते रहते हैं। हमारा और आपका साथ बना रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, लाइक करिए, शेयर करिए खोज खबर। शुक्रिया।